हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव सिंपली विद संगीता। त्योहारों का सीजन चल रहा है और हम सब अपने आप पर कहीं ना कहीं काम का बोझ महसूस करते हैं, बट मैं आज आपके साथ 10 ऐसे आसान टिप शेयर करूंगी जिनसे आप इन फेस्टिवल सीजन में भी स्मार्ट और एक्टिव बने रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं फील होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ मेरे करवा चौथ के आउटफिट की, जो मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। ये वाला सूट मुझे बहुत पसंद आया था एंड आई होप ये अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मुझे ये सच में बहुत पसंद था। काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं हम साड़ी पहन के, मैं उतना ज़्यादा कम्फर्ट फील नहीं करती हूँ। तो मैं अच्छे से तैयार हुई थी, अच्छा अच्छा खाना वगैरह बनाया हम लोगों ने। जब हम पूरा दिन फास्टिंग करते हैं ना, तो भूख की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी तबीयत डाउन हो जाती है और हम उतना एक्टिव फील नहीं करते हैं। इसलिए मैं रात का इंतज़ार नहीं करती हूँ। खाना बनाने की तैयारी मैं दोपहर में भी शुरू कर देती हूँ। तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब मेरी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, ताकि फिर जो शाम का टाइम है हम प्रॉपरली इन्जॉय कर सकें। और यहाँ पर मैं छत पर थी चाँद के इंतज़ार में। तो हमारी आज की जो पहली टिप है बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट है, एंड इवन बहुत से लोग इसको फॉलो भी करते हैं। त्यौहार के टाइम में सबसे पहला काम होता है ज़रूरी अपनी प्लानिंग करना, प्रॉपरली राइट डाउन करना कि क्या क्या आपको सफाई करनी है, क्या शॉपिंग करनी है, कितनी आप सजावट करने वाले हैं। टाइम टेबल बना ले, हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले। तो जब इस तरह से हम पूरी प्लानिंग के साथ अपना कोई भी काम करते हैं तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन हमें नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो मेरा वॉशिंग एरिया है, इसको मुझे क्लीन करना था। इस 2 दिन में मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ की क्लीनिंग की है जो मोस्टली इग्नोर कर देते हैं हम। ध्यान नहीं देते हैं कि फेस्टिवल के टाइम पर यहाँ पर भी क्लीनिंग की ज़रूरत है, या तो फिर कई बार छोटे छोटे चेंजेस भी एक नया लुक दे देते हैं उस एरिया को। तो यहाँ पर ये देखिए, जो ओपन शेल्फ है इनको मैं मोस्टली क्लीन कर देती हूँ और एक बार फिर से सारी चीज़ें साफ करके वापस लगा देती हूँ। अच्छा, अगर नेक्स्ट टिप की बात करूं तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, हर काम को ना एक साथ करने की कोशिश ना करें। सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले ले लें, इससे आप खुद को कम थका हुआ महसूस करेंगे और काम को बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही दिन में प्लान कर लेंगे तो आप थकावट में आ जाएंगे और फिर जो आपके बाकी रूटीन के काम हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र करेंगे। अच्छा, इस तरह के एरियाज़ को क्लीन करने के लिए ना सच में एक हिम्मत चाहिए होती है। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं, जब आप इस तरह की साफ़ सफाई करते हैं तो छिपकली वगैरह नहीं आती है क्या? ऑब्वियसली आती है, और मुझे भी उतना ही डर लगता है जितना आप सबको लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं शेयर भी कर रही हूँ वो वाला इंसिडेंट्स। तो इसीलिए मैंने बेटर समझा कि इन बॉक्सेस को उठा के मैं अंदर ले आती हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि इनका लुक थोड़ा चेंज करूँ, क्योंकि मेरी बालकनी में पूरा ग्रीन कलर ही है, तो मैंने सोचा इनको भी ग्रीन कलर में करती हूँ। और एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस का मैंने वॉलपेपर मंगा लिया था। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, प्राइस में भी कम आती है और आपके घर में एक नया लुक क्रिएट करने में आपकी बहुत हेल्प करती हैं। तो बाहर तो मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैं अब रूम में आके इनको कवर कर रही हूँ। बड़े अच्छे तरीके से इनको कवर कर दिया था मैंने। ये देखिए, आई थिंक ये 150 की रेंज का इतना बड़ा रोल आया था कि मेरे पास अभी भी हाफ से ज़्यादा बचा है। तो कोई भी आपके पास इस तरह से कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र आप बनाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए बगैर आप एक नया लुक दे सकते हैं अपनी चीज़ों को, और घर में एक अलग तरह की नई वाइब फील होती है। मुझे तो ये कलर बहुत पसंद आ रहा था। और जब फेस्टिवल आता है ना, तो ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ काम की तरफ ध्यान देना है। एक माइंड पर स्ट्रेस रखना है कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, इतना हमें पैसा खर्च करना है। हम बहुत तरह की टेंशन ले लेते हैं, और जो त्योहारों का असली रीज़न होता है ना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मनाना, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इन कामों को स्ट्रेस की तरफ ना लें, छोटी छोटी चीज़ों को ही इंजॉय करें। परिवार के साथ घर सजाएं, बच्चों के साथ किचन में मदद करें, इससे जो काम होगा ना, आपको मज़ा भी बहुत आएगा काम करने में और आपको स्ट्रेस भी कम से कम होगा। और अब थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए मैं आ गई थी किचन में अपने लिए एक कप चाय बनाने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये वाला मल्टी प्लग लगा लिया है।
इसमें हर पॉइंट के लिए अलग बटन दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है आपकी जो तीनों पिन लगी हैं सब एक साथ ऑन रहेंगे, आप अपनी चॉइस से ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय बना रही थी, और इसमें चाय बनाने का ना बेनिफिट मुझे ये लगता है कि चाय निकलती कम से कम है और एक साफ सुथरी अच्छी सी जगह पर हमारी चाय बनकर तैयार हो जाती है। आराम से मैं बैठ कर थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, तब तक मेरी चाय बनती है। और सारे ही अच्छी तरह से मसाले डाल लिए थे मैंने, क्योंकि फ्लेवर्ड चाय मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि हम पूरा का पूरा जब प्लानिंग करते हैं ना काम की, तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपके रूटीन के वर्क साथ में ही चलते रहेंगे, उनके साथ ही आपको त्योहार के टाइम के सारे काम को मैनेज करना है। तो बीच बीच में अपने लिए ब्रेक का टाइम भी ज़रूर रखें, अपने आराम का ध्यान रखें, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालें, चाहे वो एक कप चाय हो, बुक पढ़ना हो, या थोड़ी देर बैठ के कोई भी आपने अपनी सीरीज़ वगैरह वॉच कर ली, आधे घंटे का ब्रेक दे लिया, उससे आप फिर से री एनर्जाइज हो जाते हैं और वापस से काम को एक पूरी एनर्जी के साथ शुरू कर पाते हैं। और अब ब्रेक लेने के बाद मैं कर रही थी मेरे इस एरिया की क्लीनिंग। देखने में ये बिल्कुल क्लीन लगता है, कोई भी मैस नहीं लगता है, बट दिवाली पर एक बार चीज़ों को डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए इस रैक की मैं सारी ही चीज़ें, जितने भी इक्विपमेंट्स गैजेट्स इसमें रखे हैं, सब निकाल के अच्छे से क्लीन करके इसको भी अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है इसके पीछे बहुत सारी धूल मिट्टी और चीज़ें गिर जाती हैं। इसकी लेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है कि नीचे की तरफ आराम से झाड़ू पोछा किया जा सके, तो 3 से 4 महीनों में एक बार मैं इसको अच्छी तरह से हिला के यहाँ से क्लीनिंग कर देती हूँ। कुछ ना कुछ फ्रूट के, खाने पीने के चीज़ों के निशान इसके ऊपर लग ही जाते हैं, तो टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि यही ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फिर बाद में कॉकरोच वगैरह यहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। रैक को क्लीन करने के लिए मैंने कोई भी सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया है, मैंने सिंपल वाटर से क्लीन किया है, क्योंकि कोई भी हम केमिकल लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा थोड़ा सोप ऑप्शन ज़रूर होता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कोई भी सॉल्यूशन। और यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, ऑलमोस्ट दोपहर का टाइम हो गया था, इसके बाद के जो भी काम है मैं वो थोड़े कम प्लान करती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी टाइम देना होता है, लंच वगैरह भी प्रिपेयर करना होता है। और आप सबको चीकू बहुत अच्छा लगता है, सच में वो काम में बहुत हेल्प करता है। तो तब तक मैं यहाँ साफ़ सफाई में बिज़ी थी, इन लोगों ने अपने लिए बनाना शेक बना लिया था ताकि लंच के लिए वो थोड़ी देर रुक सकें। और यहाँ पर ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने पोछा लगा दिया है, फिर से वापस स्टैंड को मुझे यहीं पर रखना है और सारी चीज़ें भी उठा कर रखनी है। आप में से बहुत से लोग पूछते भी हैं मुझसे इस रैक के बारे में, ये मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदा था, ये हमने कस्टमाइज़ करवाया था, मतलब ऑर्डर देके प्रॉपर पाउडर कोटिंग का है ये, और ऑर्डर देके साइज़ के अकॉर्डिंग बनवाया था, क्योंकि किचन में बहुत सारे गैजेट्स हो जाते हैं और किचन काउंटर के ऊपर उतना स्पेस नहीं है कि मैं उन सबको रख पाऊँ। तो यहाँ पर ये देखिए, सारी ही चीज़ें मैंने उठा कर रख दी हैं, और जितने भी मेरे जार्स वगैरह हैं, इसमें बेसन, घी और या चावल वगैरह, ऐसे बड़े बड़े डिब्बे मैं यहीं पर रखती हूँ। पहले मैं इनको अलमीरा में रखती थी, बट यहाँ पर एक्सेस करना काफ़ी इजी रहता है। तो ये देखिए, पूरा का पूरा ये एरिया सेट हो चुका है। और बस उसके बाद उस दिन के मेरे काम इतने ही थे, जो जो एरिया मैंने डिसाइड किया था वो एरिया क्लीन कर लिया था। अब मैं बच्चों के लिए लंच बना रही थी और खुद के लिए भी, तो ये मेरे आसपास ही इसी तरह मंडराते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े करते रहते हैं, अपनी स्कूल की क्लासेस की जो भी बातें हैं वो शेयर करते रहते हैं, तो ये टाइम भी काफ़ी प्रीशियस होता है हम लोगों के लिए। और जब भी इस तरह की क्लीनिंग वगैरह के डेज़ होते हैं, तो मेरे मैं सब्ज़ी वगैरह या मोस्टली खाना सुबह ही बना के रख देती हूँ, बस रोटियाँ सेकनी होती हैं या तो मोस्टली चावल बनाने होते हैं और हमारा लंच डन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। और दोपहर को थोड़ी देर आराम करने के बाद अब शाम को मैं आ गई थी अपनी इवनिंग वॉक के लिए। शाम को मैं कम से कम 40 मिनट के लिए यहाँ पर वॉक ज़रूर करती हूँ, तो त्यौहार के टाइम पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी डाइट को लेकर, फ्रूट्स वगैरह हम क्या खा रहे हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। और अब हम मिल रहे हैं नेक्स्ट डे। उस दिन के लिए मैंने उतना ही काम किया था, तो अब ये वाला जो एरिया था, ये बालकनी मैंने पूरी क्लीन कर दी थी, अच्छे से वॉश कर दिया था सारे प्लांट्स को, सारे विंडोज़ को, पूरी ग्रास को भी क्लीन करके हमने रख दिया था। तो आज नहाने के बाद मैंने सोचा सबसे पहले यही काम कर लेती हूँ, अपनी पूरी ग्रास मैंने सेट कर दी है। और
और सच बताऊं तो आपको अगर आपके घर के किसी भी एरिया में इस तरह से ग्रास वगैरह लगाते हैं तो उसको मेंटेन करना आसान काम नहीं होता है। इनको वॉश करना और फिर इनको वापस से लगाना, अगर आप क्लीन नहीं करते हैं तो धूल मिट्टी इसके अंदर जमी रहती है, फिर वो बीमारियां अस्थमा जैसी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। इसलिए अगर आप ग्रास लगवाने की सोच रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस का भी ध्यान ज़रूर रखें। फेस्टिवल के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा पैसा हमारा खर्च होता है शॉपिंग में, तो इसलिए अपनी शॉपिंग ज़रूर ध्यान से करें। आपको ऑनलाइन अच्छी डील मिल रही है या ऑफलाइन आपको अच्छे ऑफर मिल रहे हैं तो देख समझकर अपने गिफ्ट्स वगैरह जो भी कपड़े वगैरह खरीदने हैं उनकी आप परचेजिंग करें। और मैं सजेस्ट करूंगी कि घर को सजाने के लिए थोड़ा सा DIY का या थोड़ी पुरानी चीज़ों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप महंगे महंगे आइटम खरीदें तो ही आपका घर सुंदर लगेगा। मैं थोड़ी हल्की फुल्की चीज़ें खरीदती हूँ और उन्हीं के साथ अपना घर सजाती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए सिया पास्ता बना रही थी क्योंकि मैं काम में बिज़ी थी, और फेस्टिवल में जो मेन काम होता है वो होता है खाना बनाने का, तो अपना मेन्यू वगैरह पहले से प्लान कर ले, घर में कितने मेहमान आ रहे हैं, क्या क्या खाना बनना है, वो सब चीज़ की प्लानिंग आप करके रखेंगे तो आपके लिए ये टाइम बहुत इजी हो जाएगा। सो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप, खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव मत डालिए, हर चीज़ को परफेक्टली करने की कोशिश मत कीजिए। त्योहारों का असली मकसद होता है खुशी और सुकून, हर छोटे पल को एंजॉय कीजिए और हमेशा खुद को खुश रखिए। और आज के दिन ये वीडियो जा रहा है तो आज अहोई अष्टमी का व्रत भी है, तो मेरी तरफ से सभी मदर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबके बच्चे खूब हेल्दी रहें और खूब फले फूलें। तो ये थे 10 सिंपल आसान टिप्स अपने फेस्टिवल सीजन को एंजॉय करने के और हैप्पी रहने के। आई होप आपको पसंद ज़रूर आए होंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।